हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। सो आज हम अपने आज के इस क्लास में आप सबका स्वागत करते हैं। हम श्री प्रभुपाद की स्मॉल बुक श्री ईशोपनिषद कर रहे हैं। तो हमने इवोकेशन मंत्र किया था, उसके बाद मंत्रा वन हमने कंप्लीट किया था, राइट? तो हम एक बार दोनों मंत्रास एक बार पढ़ लेते हैं। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईश्यावास इदं सर्वं यत् किञ्चन जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मा वृथा कस्य स्वीधनम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रेमानंदे हरे हरे। मंत्र एक में हमने देखा था कि कैसे जो है वो ईश्यावास इदम सर्वम, भगवान ने सारी चीजें उत्पन्न की, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन, है ना। यत किंचन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां गृधा कस्य स्वीधनम्। भगवान ने सबका कोटा डिसाइड किया है। अब भगवान क्या कहते हैं, हर व्यक्ति को अपने कोटा का पार्ट लेना चाहिए और बाकियों का पार्ट छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो किसी और का है। ये बात बताई गई। तो हमने इसको पूरा कंप्लीट किया था। इसमें हमने कहा था कि आज जो हम आचार्य की कमेंट्री है वो हम आप लोगों को थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे। जैसे मध्वाचार्य है, मध्वाचार्य ने भी इसी कॉन्टेक्स्ट में इस श्लोका को हमें बताया है। तो उसमें बताया है कि द एंटायर यूनिवर्स व्हाट एवर एग्जिस्ट इन प्रकृति इज परवेटेड बाई द लॉर्ड, इंजॉय वॉट इज गिवन बाई द लॉर्ड बट डू नॉट डिजायर द वेल्थ ऑफ अदर। क्या बोल रहे हैं मध्वाचार्य, कि जो जितनी भी संसार है, संसार में जितनी भी प्रकृति हमें दिखती है ना, आसपास हमें जो प्रकृति दिखती है, ये भगवान की ही परवेडेड एनर्जी है, भगवान का ही विस्तार है, भगवान का ही क्रिएशन। और जो कुछ भी भगवान ने हमें हमारे हिस्से में दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए, औरों की संपत्ति की हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये तो सुंदर सिद्धांत है। तो उसमें एक्सप्लेन करते मध्वाचार्य अपने कि ऑल इंटरनल एंड नॉन इंटरनल ऑब्जेक्ट हु हैज एन इंटरनल बॉडी मेड ऑफ नॉलेज एंड कंप्लीट ब्लिस एंड हु इज द एंजॉयर ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस दैट इज लॉर्ड हरि एंड आई एम पेइंग ऑबिसेंसेस टू दैट लॉर्ड, है ना। मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ क्योंकि उन्हीं से सारी चीजें उत्पन्न होती हैं और सृष्टि और पालन होता है। और लक्ष्य यहाँ पे बोलते हैं कि आई ऑफर रिस्पेक्ट इंटरनली टू माई गुरु द सुप्रीम लॉर्ड बाई होम ब्रह्मा इंद्र शिवा एंड अदर देवताज एंड लक्ष्मी एज वेल एज सस्टेन देयर नॉलेज। लक्ष्मी तक का नॉलेज जो है वो मिलता है, ठीक है। क्लियर हो रहा सबको, एवरीबडी इज अवेकन। पद्मावती जी इट्स ओके, क्लियर हो रहा, ठीक है। तो ये बात भी मध्वाचार्य भी यही बात कह रहे हैं। और मध्वाचार्य ये बात कह रहे हैं कि स्वयंभू मनु अटेंटिवली प्रेज यज्ञ ही इज ग्रैंडसन विच इज द मंत्र ऑफ ईशोपनिषद एंड देन राक्षस अप्रोच्ड डिजायरिंग टू ईच हिम हियरिंग हिज वर्ड्स यज्ञ लिबरेटेड हिम एंड किलिंग द राक्षसस। तो यज्ञ क्या
भगवान को यज्ञपति भी कहते हैं ना, तो स्वयंभू मनु के बेटी हैं, उनके पुत्र में का नाम था यज्ञ, है ना। तो वो जब यज्ञ कर रहा था, सेक्रीफाइस किया, तो राक्षस लोग आए, उसको मारना चाहते थे। हु कुड नॉट बी किल्ड बाय अदर्स एंड कुड किल ऑल अदर्स, दिस बेनेडिक्शन वाज गिवन टू देम बाय शिवा, बट देवर पावर कुड नॉट बी अप्लाई अगेंस्ट हरि, है ना। तो भगवान के प्रोटेक्शन में जो है होने के कारण जो लोग होते हैं वो बाकी के को भी देवी देवता का अगर वर भी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। जैसे बता रहे हैं ईशा एंड अवास्यम, दो दो वर्ड है ना, ईशा वास्य, तो संधि विक्षेप करेंगे तो क्या होगा, ईशा अवास्यम, फिट टू बी डिवेल्ड इन बाय द लॉर्ड बिकॉज नथिंग मूव विदाउट द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। भगवान के बिना कोई भी चीज मतलब मूव नहीं करती है। जगत्याम मीन्स प्रकृति, थस द मीनिंग इज द होल वर्ल्ड, वॉट एवर इज विद इन प्रकृति is to fit to be dwell in by the Lord. One should not enjoy what is given by the Lord. हमें जो मिला है, हमारा जो हिस्सा है, उसको लेना चाहिए और दूसरों की संपत्ति को हमें तकतेना, है ना, नहीं भोगना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं मध्वाचार्य ने भी इस श्लोक को बताया कि भगवान जो है सब सब प्रकृति के स्वामी हैं, जो हमें उन्होंने डिसाइड किया है वो हमें लेना चाहिए और जो औरों की संपत्ति है उसको छोड़ देना चाहिए। दूसरा बलदेव विद्याभूषण भी बोलते हैं, तो इस श्लोक को वो बोलते हैं कि दिस विजुअल वर्ल्ड एंड वॉट एवर एग्जिस्ट बियॉन्ड परसेप्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ लॉर्ड, बिकॉज ऑफ दिस यू शुड एंजॉय ओनली वॉट इज अलॉटेड टू यू बाय द लॉर्ड थ्रू कर्मा। Do not hanker for more than that. Whose property is it? तो बलदेव विद्याभूषण भी उसी से रिलेटेड बोल रहे कि जो दृश्य जगत है, इसमें जो चीज एग्जिस्ट करती है, जिसको हम देख सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं, जितनी चीजें भी हैं, वो सब कंट्रोल किसके द्वारा हो रही है, हरि के द्वारा। Because of this, हमें क्या करना चाहिए, हरि ने हमारा भाग अलॉट किया हुआ, हमें उन भागों को एंजॉय करना चाहिए, उनको लेना चाहिए और औरों के भाग को जो है वो छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से बलदेव विद्याभूषण भी कमेंट्री कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि देयर इज द फाइव तत्व इन स्क्रिप्चर, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, है ना, पढ़ा है ना। बलदेव विद्याभूषण भगवद गीता में बताते हैं कि पांच प्रकार का जो नॉलेज है वो दिया था, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, फाइव सब्जेक्ट मैटर होते हैं। Among them, ईश्वर is Lord, unaffected by the time and place. इसमें जो भगवान होते हैं वो क्या होते हैं, काल और समय से परे होते हैं। And जीवा is minute conscious, अनु तत्व, अनु चैतन्य, भगवान विभु चैतन्य, है ना, अनु है हम और भगवान विभु हैं, बड़े हैं। The जीवा and ईश्वर are both endowed with qualities such as internal knowledge and identically of eye. जीवा एंड ईश्वर आर ऑल्सो नोन ऑफ सेल्फ एंड अदर थिंग्स एंड ऑल्सो नॉलेज इट सेल्फ। दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेट बट रैदर इट इज लाइक द सन विच इल्यूमिनेट्स इट सेल्फ एंड अदर थिंग्स एंड विच इज ऑल्सो लाइट इट सेल्फ। सूर्य और सूर्य का प्रकाश जैसे होता है वैसे जीव और भगवान होते हैं। सूर्य का प्रकाश सूर्य से अलग नहीं होता, सूर्य के ऊपर निर्भर करता है। उसी तरह जीव जो है वो भगवान के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन वो अणु है और भगवान विभु है। लॉर्ड बाय द नेचर एंडोर विद ऑल पावर एंटर इनटू द प्रकृति एंड कंट्रोल इट एंड सप्लाई मटेरियल एंजॉयमेंट एंड लिबरेशन टू द जीवास। ही इज अनअवेलेबल इन द माइंड एंड सेंस बट इज कंट्रोल्ड बाय डिवोशन एंड थस ही ऑफर दिस term for bliss and knowledge to the devotees। यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं कि भगवान जो है उनको प्रकृति का नहीं समझना चाहिए, भौतिक प्रकृति के नहीं है भगवान, ऊपर है। And thus he offer his form and bliss knowledge to the devotees। तो इस तरह से बलदेव विद्याभूषण ने इस पर काफी लंबी टीका की है, तो मैंने स्पेशल पॉइंट्स जो उनके थे वो मैंने आप लोगों के बता दिए। और भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं इस श्लोक पर, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि वॉट एवर एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इज ऑल कवर्ड बाय द लॉर्ड, बिकॉज ऑफ दिस यू शुड एंजॉय अलोंग विद द प्रैक्टिकल ऑफ
प्रैक्टिस ऑफ रिनंसिएशन। यू शुड नॉट हैंकर आफ्टर द वेल्थ ऑफ अदर्स। दुनिया में जो कुछ है वो सब किस क्या है, भगवान की संपत्ति, और भगवान ने जो हमारे लिए एंजॉय करने के लिए भाग दिया है उसको वैराग्य के साथ भोगना चाहिए। हम कैसे भोगते हैं, आसक्ति के साथ, है ना। तो विनोद भक्ति ठाकुर क्या करें, हमें कैसे भोगना चाहिए, वैराग्य के साथ, है ना। दिस इज लेसन। हमें अगर कुछ मिला है, ये शरीर मिला है ना, अच्छा घर मिला है, पैसा मिला है, अच्छा दिमाग मिला है ना, अच्छी पोजीशन मिली है, गाड़ी मिली है ना, जो भी चीज है हमें अगर ऐश्वर्य मिला है भगवान का, तो उसको क्या करना चाहिए, हमें वैराग के साथ भोगना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर बोल, क्यों भोगना चाहिए, क्योंकि संपत्ति किसकी है, भगवान की है। और हमें दूसरों के धन को हैंकरिंग, यानी उसके लिए बार बार हमें हैंकरिंग को बोलते हैं इच्छा, है ना, हैंकर नहीं करना चाहिए, दूसरों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इस श्लोक को यही बताया। तो ये सारे आचार्यास भी कह रहे हैं, हमारे सारे देवी देवता भी कह रहे हैं, और ईशोपनिषद भी कह रहे हैं, है ना। लेकिन हम सो कॉल्ड आज के मॉडर्न बच्चे जो पढ़ लेते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं कि सारी चीजें भगवान की क्या है, कहाँ है, और अगर है तो दिखाइए। तो भाई अगर मोतियाबिंद अगर किसी को हुआ है तो दिखाई नहीं देगा, है ना, तो उसको ऑपरेशन तो करना पड़ेगा ना, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो उसी तरह से आपको भव रोग लगा हुआ है, भव रोग क्या होता है, कौन बताए, भव रोग का क्या मतलब होता है गौरी, भव अगर आपसे पूछेगा कि हमें तो कोई डिजीज नहीं, हम तो भले चंगे, माता जी कह रही है हमें रोग लगा, भव रोग का मतलब क्या होता है, पद्मा माता जी भव रोग क्या है, भव रोग ये हम जन्म मरण में है यही भव रोग है, इससे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये क्या है, भव रोग डिजीज है ना। तो क्या है, अगर हम डिजीज अवस्था में है तो क्या होगा, हमें रोग लगा है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, है ना। आया जा रहा है कि हमें भगवान के पास जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें भव रोग लगा है, और भव रोग की औषधि क्या है, भगवान ये बताते, भैया जब तक तुम्हारे अंदर इंजॉय करने की सेंस, ग्रेटिफिकेशन की आदत रहेगी, इंद्रियों को तृप्त करने की आदत रहेगी, तब तक ये भव रोग बढ़ता जाएगा। जैसे ही आप ये समझ लेंगे कि ये भगवान का है और भगवान को ऑफर करके उसको प्रसाद के रूप में लेने लगेंगे, तो आपका डिजीज धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तब आप देख पाएंगे हर जगह भगवान कैसे है, सबके हृदय में आप भगवान को समदृष्टि जो है आप देख पाएंगे, नहीं तो इसको देखना बहुत मुश्किल। तो ये जो फर्स्ट श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या सिद्धांत इस्टैब्लिश करता है, ईश्यावास से इदम सर्वम, सब कुछ किसकी संपत्ति है, भगवान की, है ना, सब कुछ संपत्ति किसकी, भगवान की। अब मंत्र सेकंड पर आते हैं, ठीक है ना। मंत्र वन एंड मंत्र टू दोनों के क्वेश्चन आंसर और निबंध एक साथ दिए जाएंगे आपको, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर जो है वो नहीं देके हम आपको ऐसे राइटिंग देंगे, और आपको वो ऐसे राइटिंग लिखना होगा और मुझे देना पड़ेगा, ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी देखी जाए कि क्या समझ में आया है श्लोक से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को निबंध ऐसे का टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पर आप लोग एक दिन के अंदर लिख के हमें दे दीजिएगा, ठीक है, 150 वर्ड्स में मिनिमम लिखिएगा, अच्छे से इलैबोरेट कीजिए क्या अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप लिखेंगे तो आपको जब आप भक्ति शास्त्री करेंगे तो लिखने की हैबिट रहेगी, क्योंकि उसमें निबंध के ऊपर ही सब कुछ होता है ना, और श्लोक का रिसाइटेशन होगा, यानी श्लोक को लर्न करना पड़ेगा। तो फर्स्ट 5 श्लोका आपको लर्न होने ही चाहिए। तो पहला श्लोका आपको याद है, ओम पूर्ण अदा
इन्वोकेशन और फिर ईर्ष्यावास इदम सर्वम, ठीक है ना। तो ये आपको 5 श्लोका अप टू 5 यानी 6 श्लोका आपका ये होमवर्क है, और ये आपको 6 श्लोका जब कंप्लीट होगा तो उसका रिसाइटेशन टेस्ट होगा ऑनलाइन, ठीक है। अब लोग प्लीज जरूर लर्न करिएगा, बहुत आराम से लर्न हो जाएगा, और हम आपको बार बार रिपीट करते रहते हैं, आप सुन सकते हैं। सबसे अच्छा है कि अपने आवाज में रिकॉर्ड करके रख लीजिए और दिन भर सुनते रहिए, याद हो जाएगा। क्लियर हो गया होमवर्क? प्रिया होमवर्क क्या था अभी, मैंने क्या होमवर्क दिया रिपीट करिए। माता जी इन्वोकेशन जो था वो, और बाकी 2 श्लोक जो, 5 श्लोक जो है वो, और उसका आप टेस्ट लेंगे, 2 मंत्र 1 और मंत्र 2 का, और वो टेस्ट वो होगा समरी, आई मीन हमें लिखना होगा ऐसे 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 हम आपको देंगे टॉपिक, उस पे आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जिसका कब मिस है वो ये सुन सकता है रिकॉर्डिंग प्योर एसोसिएशन में जाके, ताकि उसको मिस ना हो। किसी का कोई भी प्रश्न होगा वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम मंत्र 2 रिसाइट करते हैं। कुर्वन मे हे कुर्वन एव एह कर्माणि जी जी विशेष तत्समा, ठीक है। एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, ऐसे बोल। कुर्वन्नेव इह कर्माणि जी जी विशेषतः समा एव त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अगेन कुर्वन्नेव इह कर्माणि, बोलिए सब लोग म्यूट कर लीजिए, बोलिए। एवं त्वयि न अन्यथा इत अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, तो बोला गया कुर्वन एव इह कर्माणि, निरंतर इस प्रकार से कर्म करने पर क्या करना है, जी जी विशेषतः समा, कोई 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है ना। फिर बताए एवं त्वयि न अन्यथा अस्ति, इस तरह अन्य दूसरा विकल्प नहीं है। न कर्म लिप्यते मनुष्य, और इस तरह से रहने पर जीव कर्म बंधन में नहीं पड़ता। कैसा, अगर कोई ईर्ष्यावास सिद्धांत का पालन करता है, समझ रहे हैं, तो वो व्यक्ति निरंतर कार्य करता है और सैकड़ों वर्ष तक जीने की इच्छा कर सकता है, समझ रहे हैं। ईर्ष्यावास सिद्धांत को जो फॉलो करता है, यानी सारी संपत्ति किसकी है गौरी, माता जी भगवान की, भगवान की है ना। अगर इस फिलॉसफी को पालन करता है और अपना कोटा यूज करता है, दूसरों का कोटा यूज नहीं करता, इस सिद्धांत को जो व्यक्ति पालन करता है वो निरंतर कार्य करते हुए 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है, क्योंकि इस प्रकार से कार्य करने में नियम में नहीं बनता और मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं, यानी भक्ति की बात की जा रही है, समझ में आ रहा है। केवल भक्ति मार्ग पर, केवल ईशावास सिद्धांत को फॉलो करके जीव कर्म बंधन में नहीं होता, यानी अकाम कर्म होता है, समझ में आ गया ना, और उसके पास दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो फर्स्ट श्लोक से सेकंड श्लोक बड़ा कनेक्टेड है, कुर्वन नेहे नेहे वे कर्माणि, करता है काम, है ना, जी जी विशेषता समा, जी सकता है वो व्यक्ति, है ना, समा यानी 100 साल तक। एव त्वयि न अन्यथो अस्ति, है ना, और वो फिर अन्यथो अस्ति, कोई कर्म बंधन में नहीं फंसता, न कर्म लिप्यते नर, किसी कर्म में वो लिप्त नहीं होता है,
और उसके पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है, यही एक मार्ग है जिसके द्वारा व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। ठीक है, तो ईश्यावास सिद्धांत पालन करके कोई 100 वर्ष तक भी जीवित रहे तब भी वो कर्म बंधन से लिप्त नहीं होता और इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, पद्म माता जी थोड़ा पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य शिव प्रभुपाद के द्वारा कोई भी मरना नहीं चाहता, प्रत्येक व्यक्ति जब तक खींच सकता है तब तक जीना चाहता है। यह प्रकृति केवल व्यष्टिक रूप से ही नहीं देखी जाती अपितु सामूहिक रूप से जाति जाति समाज और राष्ट्र में भी देखी जाती है। समस्त जीवों में विकट जीव संघर्ष चला रहा होता है और वेदों का कहना है कि यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जीवात्मा स्वभावत शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधनों के कारण उसे बार बार अपना शरीर बदलना पड़ता है। यह प्रक्रिया आत्मा का देहांतरण अथवा कर्म बंधन कहलाती है। जीव को अपनी आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है क्योंकि यह प्रकृति का नियम है और यही वह अपने नियत कर्तव्यों के अनुसार कार्य नहीं करता तो वह प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है और अपने आप को अनेक योनियों में जन्म मृत्यु के चक्कर में अधिकाधिक बांधा जाता है। अन्य योनियों में भी जन्म मृत्यु का चक्कर चलता है, लेकिन जब जीव कोई मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है। भगवद गीता में कर्म अकर्म तथा विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन हुआ है। जो कार्य किसी के नियत कर्तव्यों के रूप में शास्त्रों में उल्लिखित विधि से संपन्न किया जाता है वे कर्म कहलाते हैं। जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करते हैं वे अकर्म कहलाते हैं, किंतु जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने में संपन्न किए जाते हैं तो और जिससे अधम योनियों में जाना पड़ता है वे भी कर्म कहलाते हैं। इन तीन प्रकार के कर्मों से बुद्धिमान मनुष्य उसी की इच्छा समझता है जो उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर दे। सामान्यतः लोक मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा इस संसार में या स्वर्ग में उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अधिक बुद्धिमान लोग कर्म तथा कर्म के फल से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं। बुद्धिमान पुरुष यह भली भांति जानता है कि अच्छे या बुरे कार्य समान रूप से मनुष्य को भौतिक कष्ट से बांधने वाले हैं, अतएव वे ऐसा कार्य खोजते हैं कि उन्हें अच्छा या बुरा दोनों ही प्रकार के कार्य के फलों से मुक्त कर दे। श्री ईशोपनिषद के पृष्ठ में इसी मुक्ति प्रदान करने वाले कार्य का वर्णन हुआ है। ठीक है, पढ़ो आगे। थैंक यू। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह जो जीव है, यहाँ पे बताया गया है कि इस श्लोक में बताया गया कि जो बुद्धिमान लोग रहते हैं लिव हिज होल लाइफ परफॉर्मिंग डेली एंड periodic duty with the renunciation doership, desiring and the result of action. ये हम बता रहे हैं कि जब कोई भक्ति करता है और अपना जीवन जीता है तो वो अपनी prescribed duty, अपनी जो जो भी उसका वर्णाश्रम के हिसाब से धर्म है उसका पालन करते हुए वो 100 वर्ष तक जीवित रहता है और कर्म बंधन में भी नहीं फंसता। This is the beauty. देखिए, जब हम भक्ति करते हैं तो सबसे बेस्ट रिजल्ट हमें क्या मिलता है कि हम कुछ सब करते हैं। हम देखो खाते हैं, पीते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, घूमते हैं, है ना, सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, सब करते हैं, है ना, कृष्ण कॉन्शियसनेस में सब कर रहे हैं ना, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कंप्यूटर भी यूज करते हैं, मूवीज भी देखते हैं, हम सब करते हैं, है ना। और लेकिन हम ईशावास सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं तो इतना सारा कर्म की वैरायटी कर कर भी, सभी इंद्रियों को तृप्त कर कर भी हम कैसे रहते हैं, कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। सोचिए, है ना। तो ये जो बेनिफिट है ये केवल भक्ति मार्ग में अवेलेबल है। तो श्री प्रभुपाद हमें ये बहुत अच्छे से समझाना चाहते हैं और श्री प्रभुपाद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम भगवद गीता पढ़े हैं
इसलिए श्री प्रभुपाद भगवद गीता के द्वारा भी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई ना समझे कि मैं क्योंकि भक्ति को जो मार्ग अपना रहा हूँ तो मैंने इसको बहुत इम्पोर्टेंट दी है, बाकी मार्ग को इम्पोर्टेंट नहीं दिए। नहीं, ऐसा भगवान ने इम्पोर्टेंट दिया, भगवान ने इस मार्ग को इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा। श्री प्रभुपाद वहां पे कोट भी करते हैं कि वो उनका मनोकल्पित विचार नहीं, श्री प्रभुपाद जो भी मैंने बोल रहे हैं वो मनोकल्पित नहीं है बल्कि ये भगवान ने कही। तो श्री प्रभुपाद शुरुआत कहां से कहते, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। कोई ये 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 जो श्लोका है इसकी शुरुआत ही हम इस प्रोपोगंडा से कर सकते हैं। If you don't want to die, if you want to live life, then use this advertisement कर सकते हैं, है ना? Advertisement आता ना कि अगर आपकी झुर्रियां गायब करनी है तो ये क्रीम लगाइए, है ना? आपको गोरे से काला होना है तो ये करिए, है ना? फिर क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट फटाफट खरीद लेते हैं, है ना? क्यों हम ना करते ना, फटाफट ऑनलाइन भी खरीद लेते हैं, फटाफट खरीदते हैं, है ना? ये चीज से हमें ये बेनिफिट मिलता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ऐसा दिखाता है कि ऐसा हो रहा है ना, हम बूढ़े हो रहे हैं तो हम यंग दिखने लगेंगे, है ना? हमें खाना बनाने नहीं था, बस पैकेट के खोलेंगे, डालेंगे, डिलीशियस डिश तैयार हो जाता है, हम उसको खरीद लेते हैं फटाफट जाके कि हम क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे ये करके। श्री प्रभुपाद कहते हैं इफ यू डोंट वांट टू डाई, और लंबी जिंदगी आप चाहते हैं आप हमारे पास आइए, मेरे पास बहुत अच्छा फॉर्मूला है, और ये ईशो परिषद के मंत्र में बताएंगे। क्या बताएंगे? इफ यू लिव ईशावास सिद्धांत, ईशावास सिद्धांत के साथ अगर आप रहते हैं तो आप 100 वर्षों तक निरोगी प्रसन्न युक्त लाइफ में रह सकते हैं, और कर्म करते हुए भी कर्म बंधन नहीं लेंगे, और शरीर त्यागने पर आपको भगवत धाम प्राप्त। यू लिव हियर, हाँ यहाँ पे भी हम अच्छे से रहेंगे और 100 वर्षों तक भी जीवित रहेंगे विद हेल्दी लाइफ, और शरीर त्यागने पर भी आपको। तो भाई समाज को भी मरना नहीं चाहता, तो सबको ये सुनना चाहिए, सबको जीने की इच्छा होती है ना? तो चाहे हम समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, किसी भी राष्ट्र में ये जो मनोवृत्ति है वो देखी जाती है ना, कोई मरना नहीं चाहता। आप देखिए, है ना, कोई कोई वायरस आ जाता है, कुछ अगर देखिए कितना पैनिक हो जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि हम मरना नहीं चाहते, कोई भी मरना नहीं चाहते। तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि लेकिन ये जीवन संघर्ष चल रहा है, लोग ईशावास का सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे हैं, और स्ट्रेसफुल लाइफ में जा रहे हैं। गुरु महाराज सुबह कह रहे थे क्लेशो अधिकतर स्तेशा, है ना, क्लेश युक्त जीवन रहता है अगर कोई भक्ति नहीं करता, और कोई भक्ति करता है तो सुसुखम आनंद प्रदान शुभदा। गुरु महाराज सुबह सुबह आशीर्वाद दे रहे थे कि आप जो चैंटर्स हैं इतने सुबह सुबह आए, इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका आपका जो जप है वो शुभ, ऐसा गुरु महाराज ब्लिस कर रहे थे। तो आप लोग जरूर जपा टॉक जो है गुरु महाराज का ज्वाइन कीजिए, और एडवर्टाइजमेंट भी कीजिए लोगों को, और लोगों को भी आप जोड़ सकते हैं इफ यू वॉन्ट चैंट, मतलब हफ्ते में एक बार भी आए कोई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतनी पोटेंसी के साथ महाराज के साथ इतने इतने भक्त होते हैं, और न जाने कौन कौन से तीर्थ स्थानों से होते हैं, है ना, एक साथ सारे तीर्थ सब कुछ प्रकट रहते हैं, और हम एक साथ 3,000 लोगों के साथ जप कर रहे हैं, भक्तों के साथ, लोगों के नहीं कहेंगे, भक्तों के साथ, वैष्णव के साथ, कितना दुर्लभ है ना, कितना दुर्लभ है ये सब। तो जैसे नैमिषारण्य में ऋषि लोग 88,000 ऋषि, मुझे वो फीलिंग आज गुरु महाराज जब बोल रहे थे तो लग रही थी, महाराज ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया कि आज आप लोग ने जो जप कर रहे हैं आपका जो जप हो वो शुभ। आप सब लोग अच्छे से चैंटिंग कीजिए, और कोशिश कीजिए कि महाराज का जो जपा टॉक है वो ज्वाइन करें, है ना, और बहुत अच्छा वो पूरा हफ्ता आ रहा है। अभी सार्वभौम प्रभु दे रहे हैं, उसके बाद और भी दीन बंधु प्रभु भी आने वाले हैं, तो सारे श्रील प्रभुपाद डिसाइपल जो है इस पूरे हफ्ते मतलब महीने रहने, और आज जो है 1 अगस्त है, तो आज अगस्त में कई मिरेकल्स जो है होने वाले हैं, जो कि इतिहास में बहुत सालों बाद ऐसे मिरेकल्स होते हैं। जैसे आज जो मून है वो फुल मून दिखाई देगा, बिगेस्ट मून, और साथ में ब्लू मून भी दिखाई देगा आज, देखिएगा तो बहुत सुंदर आज दिन है। आज राधा गोविंद को बहुत सुंदर व्हाइट ड्रेस में श्रृंगार है, आज मैंने रुक्मिणी द्वारकाधीश को भी बहुत सुंदर व्हाइट कलर में भगवान को श्रृंगार किया है ना? तो ये और दूसरा ये होता है कि
इसी अगस्त में क्या होगा कि क्योंकि सन जो है टॉप पे रहेगा सीधे पृथ्वी पर, तो क्या होगा कि हमारी परछाई नहीं दिखाई देगी। एक कोई डे है मुझे पता नहीं, और वो चेक कीजिएगा, तो उस दिन जैसे हम लोग जनरली हर चीज की परछाई दिखाई देती है, तो आपको परछाई नहीं दिखाई देगी, है ना। और भी ऐसा एक और एक दो और कुछ है पता नहीं मुझे, आप लोग नेट पर सर्च कीजिएगा। तो ये मंथ में बहुत कुछ ऑस्पिशियस होने वाला है, लेकिन भक्तों के हिसाब से ऑस्पिशियस क्या चल रहा है, अधिक मास, है ना, अधिक मास चल रहा है। तो ये 3 साल पर आता है, और भक्तों को दीप दान करना चाहिए और करवाना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को कहा अपने घरों में, अपने पड़ोसियों में कहीं जाइए, दीप दान कराइए, क्योंकि हम लोगों का 300 टारगेट है, 300 लोगों का टारगेट। तो ज्यादातर लोग करा रहे हैं, सारे लोग ग्रुप में करा रहे हैं, और आप लोग भी जरूर कराइए। तो यहाँ पे शिल्प्रपात करें इस तरह भक्ति युक्त अगर करेगा कर्म करते हैं। जैसे सब लोग कह रहे थे अभी अभी कुछ लोग आए थे हमारे पास काउंसलिंग के लिए, तो वो पूछ रहे थे कि इस मत में हम कोई शुभ काम तो नहीं कर सकते ना माता जी, जैसे गृह प्रवेश कराना है, बेटी है ना, शादी विवाह करना। हम कह हाँ इस मंथ में आप कोई मेटीरियल शुभ कार्य नहीं कर सकते, लेकिन स्पिरिचुअली आप सब कुछ कर सकते हैं, और इसका सेल लगा हुआ, भक्ति इन सेल, है ना। अगर आप 1% भी चैंटिंग करते हैं या दीप दान कराते हैं किसी को, तो आपको क्या मिलने वाला है, कई लाख गुना इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो जरूर भक्ति कीजिए ग्रंथों को, जैसे आप लोग अध्ययन करने का सोचे, इट्स वेरी गुड, है ना, कि ईशोपनिषद आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो कितना सुंदर अवसर एडवर्टाइजमेंट करते हुए ये श्लोक का निकल रहा है। आप मरना नहीं चाहते अपना जीवन सुख में 100 साल तक जीना चाहते हैं, तो हमारे पास एक सुंदर उपाय, ईशावा सिद्धांत। अगर आप इस सिद्धांत को फॉलो करते हुए रहते हैं, तो बेस्ट है कि यहाँ पे भी ब्लिसफुली रहेंगे, कर्मबंधन में भी नहीं रहेंगे, और आगे का भी लाइफ आपका भगवत धाम, है ना। सुंदर, अच्छा ना एडवर्टीजमेंट फिर शिल्प्रपाद बताते हैं कि जीव जो है अपनी आजीविका के लिए कार्य करता ही, और अगर जैसे ही वो कर्म करते, मतलब कर्म के बिना हम रह नहीं सकते ना, कोई चाहे कि हम कर्म ही नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है ना। सांस लेना भी कर्म है, इफ यू आर ब्रीदिंग आप कर्म कर रहे हो, समझ रहे। ऐसा नहीं कि आप बिना कर्म के आई आईज के ब्लिंकिंग हो ही रही, हार्ट बीट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो आप जो है हर समय कर्म कर रहे हैं। तो कर्म से कोई नहीं बच सकता, और एक क्षण भी भगवान भगवद गीता में कहते हैं कोई कर्म के बिना नहीं बच सकता। तो अगर हमको कर्म करना है, तो बंधन युक्त कर्म क्यों करें, या ऐसा कर्म क्यों करें जो हमें क्लेश की तरफ लेके जाए। हम ऐसा कर्म क्यों ना करें जो हमें आनंद और ब्लिस की तरफ लेके जाए, शुभ की तरफ लेके जाए, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा कब हो सकता है, जब जीव भगवान की भक्ति करे। अगर भक्ति नहीं करता तो प्रकृति के नियम से निकल नहीं सकता। शिल्प्रपात करें मनुष्यों को ये सुविधा, ये सेल जो है मनुष्यों के लिए, ठीक है, जितने भी आपके पास जानवर हैं या जो सब है योनिया है, ये उसका लाभ नहीं उठा सकते। ये सेल केवल और केवल मनुष्य, किसी तरह से आपको मनुष्य शरीर मिल गया, आप भाग्यवान। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो आप यहाँ पे जो 4-5 लोग भी बैठे हैं, ये आप लोग बहुत भाग्यवान हैं। कैसे पूरे ब्रह्मांड में, समझ के देखिए, आप लोग कोई साधारण लोग नहीं है, है ना। आप लोग बहुत भाग्यवान है कि श्री प्रभुपाद जैसे ग्रंथ संतों से आप मिले, उनकी परंपरा से आप जुड़े। तो भगवत गीता का ये सिद्धांत समझिए कि 3 तरह के कर्म होते हैं, एक होता है कर्म, एक होता है अकर्म, और एक होता है विकर्म, ठीक है। कर्म क्या होता है, जो शास्त्र के अनुसार किया है, इसका रिजल्ट क्या होता है, या तो स्वर्ग जाता है या नरक जाता है। दूसरे प्रकार का कर्म होता है वी कर्म, शास्त्र के विरुद्ध कार्य कर। वी कर्म क्या मतलब है, शास्त्र के विरुद्ध कार्य कर, इसका रिजल्ट क्या होता है, व्यक्ति नर्क को प्राप्त होता है और यातनाएं भोगता। एक तीसरा तरह का भी कर्म होता है, उसको कहते हैं अकर्म। इसमें कर्म करते हुए भी जीव को कोई बंधन नहीं लगता,
क्योंकि वो भगवत भक्ति कार्य करता है ना। तभी राजा का अगर सेवक भी है तो राजा के समान ही तो ऐश्वर्य भोगेगा, है ना, राजा के महल में ही रहेगा ना। मान लीजिए राजा का दरबान है कोई, डोर कीपर, तो राजा के समान ही उसका इज्जत होता है ना। अगर वो डोर कीपर बाहर भी ढूंढे तो लोग कहते हैं अरे जी हजूर साहब जी हजूर जानता है कि अगर ये एंट्री नहीं देगा तो हम लोग जाएंगे ही नहीं राजा के पास। तो राजा के समान ट्रीटमेंट मिलता है, राजा के समान महल में रहता है, राजा का सारा चीज वो भोग करता है ना। तो राजा का सेवक राजा के समान ही रहता है। उसी तरह जब कोई भक्त बन जाता है तो भगवान के समान ही ऐश्वर्य का भोग करता है। तो भगवान जो है सच्चिदानंद है, वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती उनके पास, तो हमारे पास भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं, हम भी आनंद भोगेंगे क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं और हम भी सच्चिदानंद है। लेकिन भगवान विभू है और हम अणु हैं। शिल प्रपात कहते हैं इस तरह से हम ऐसा मैजिक करें कि हम कर्म भी करें सब कुछ करें, खाए पिए सोए रहें, है ना, शादी विवाह बच्चे सब करें, सब कुछ करें जो कर सकते हैं सब करें और बंधन में, तो वो कर्म है भक्ति। भगवान के कहे अनुसार अगर हम इस जगत में रहते हैं तो हम इस जगत में भी सुखी रहेंगे और आगे भी रहेंगे। फिर शिल प्रपात कहते हैं कि ईशो परिषद के पृष्ठों में मुक्ति प्रदान करने वाले कार्यों का वर्णन किया। फर्स्ट श्लोक में डिटेल में बताया गया ना कि ईशावास सिद्धांत को क्या है, कैसे है और हमारा कोटा क्या है, हम क्यों इनकम्प्लीट फील करते हैं, क्यों, क्योंकि हम कृष्ण से नहीं जुड़ोगे। जब हम कृष्ण से जुड़ जाएंगे तो हम अपने आप को अच्छा फील करेंगे। तो यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण जो है इस श्लोक में कमेंट्री कर रहे हैं और वो कहते हैं कि परफॉर्मिंग प्रिस्क्राइब्ड एक्शन विदाउट अटैचमेंट व्हाइल लिविंग इन द वर्ल्ड यू कैन एस्पायर टू लिव फॉर 100 ईयर्स। अगर आप वैराग्य युक्त तो इस जीवन को रह गए, सारी इंद्रियों का भोग करते हैं, सारी चीजों का भोग करते हैं, तो आप 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। देर इज नो अदर मेथड देन दिस फॉर यू और एनी ह्यूमन लिविंग बीइंग बिकम टू फ्री ऑफ कंटेमिनेशन। दीज एक्शन डू नॉट कंटेमिनेट यू। इस तरह से कर्म करने पर आपको कोई भी कर्म बंधन नहीं बनेगा कर्म करते हुए भी। तो ये बलदेव विद्याभूषण भी कह रहे हैं और मध्वाचार्य भी कह रहे हैं कि वन मस्ट लिव हिज लाइफ फुल ऑफ 100 ईयर्स वाइल परफॉर्मिंग हिज प्रिस्क्राइब एक्शन विद डिटैचमेंट। वैराग्य के साथ भगवत भक्ति करते हुए अपने जो नियत प्रत कार्य हैं उनको करते हुए। देखिए आचार्य कभी नहीं करेंगे आप भक्ति करते हैं तो आप चले जाइए हिमालय पर और कुछ मत करिए, ये भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब लविंग डिवोशनल सर्विस एक्शन, है ना। तो करना है डिटैचमेंट के साथ, ऑफरिंग देम टू द लॉर्ड। देर इज नो ऑल्टरनेटिव फॉर यू, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। सच एक्शन डू नॉट कंटेमिनेट एनी मैन। और इस तरह से कोई व्यक्ति अगर कर्म करता है ईशावास सिद्धांत के अनुसार कर्म करता है तो वो कर्म बंधन में नहीं पड़ता, ठीक है। और लास्ट में बलदेव विद्याभूषण जो है उन्होंने बताया, फिर भक्ति विनोद ठाकुर भी इसमें कमेंट्री करते हैं कि परफॉर्मिंग एक्शन इन दिस वर्ल्ड विद प्रीवियसली डिस्क्राइब मेंटेलिटी यू कैन लिव फॉर 100 ईयर्स। लिविंग इन दिस वे यू विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द कर्मा। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू दिस। सब यही कह रहे हैं ईशावास सिद्धांत के अनुसार अगर हम चलेंगे कर्म करते हुए भी हमें बंधन नहीं लगेगा। इंद्र हम जो भोग कर रहे हैं उसको वैराग्य की तरह भोग करें, ये समझे कि सब कुछ कृष्णा के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, तो कर्म करते हुए भी हम बंधन में नहीं फंसेंगे और इस तरह से इंजॉय करने का कोई और मार्ग नहीं। तो आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं, प्लीज मार्क कर लीजिए। सेकेंड श्लोक हमने यहाँ तक पढ़ा है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।
शिल प्रपात की जय। आप सभी गौर भक्त की जय। निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि।